हटो, चलो उधर। हटो हटो हटो। तो क्या हाल है भाई? तो बढ़िया है सब लोग? तो कैसी कट रही है? अच्छी कट रही है ना? हाँ, मेरी भी अच्छी कट रही है। थोड़ी थोड़ी फट रही है, टाइम कट रही है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया। लखनऊ का फिर से आज कमाल का वेदर। ये नहीं कह सकते कि ये पूरे दिन रहेगा या फिर बारिश भी हो सकती है, धूप भी हो सकती है। तो प्लान लो कि क्या क्या है भाई, कौन कहाँ जा रहा है, कुछ पता चलेगा? देखो भाई, ये लाइफ है, लाइफ में घूमते फिरते रहो ज्यादा बेटर है। लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं घूम नहीं सकता, मैं यहाँ नहीं जा सकता, मैं वहां नहीं जा सकता। तो पैसे नहीं हो तो पैसे जोड़ो, जॉब करो, पैसे जोड़ो भाई। किसी के पास भी पैसे नहीं होते, ठीक है? अगर उसे क्रेज है घूमने का तो वो घूम के रहेगा, जॉब करेगा, पैसे एक एक करके एक एक पैसे जोड़ेगा, फिर जाएगा वहां पे। बात तो सही है। देखो जैसे मैं, मेरी सैलरी अच्छी है, ठीक है, लेकिन मेरे खर्चे मेरे इतने हैं ना, खर्चे हैं, लोन है, किस्तें हैं, ईएमआई है, तो इन सब में बढ़ जाती है सैलरी मेरी ज़्यादा, ठीक। तो उसके बाद मैं एक एक करके जोड़ रहा हूँ पैसे। ओह माय गॉड, वाओ, एक एक करके, पर एक एक रुपए करके नहीं यार। यार मतलब हाँ, थोड़े बहुत पैसे जोड़ रहा हूँ जाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जा रहा हूँ कहीं अक्टूबर में, जो आपको डेट भी मैंने बता दिया, अक्टूबर में जा रहा हूँ। प्लान हो गया मेरा, सब कुछ रेडी है, ठीक है। तो देखते हैं, और तब तक पूरे प्रॉपर जितने मुझे पैसे चाहिए उतने पैसे अगर हो जाते हैं तो मैं निकल लूँगा, मैं ट्रिप के लिए निकल जाऊँगा। हाँ, और ये मेरी सोलो सिंगल ट्रिप होने वाली है, सोलो, और वो भी टूर। ये भी बता दूं कहाँ कहाँ की, मतलब पहाड़ों पे जा रहा हूँ, ठीक है, और पहाड़ों पे किस जगह जा रहा हूँ ये तो आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा, तब जब मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट करूँगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन होने वाला है। और वैसे मौसम बहुत सुहाना हो गया, अगर आज मैं छुट्टी हो तो कहीं ना कहीं घूमने निकल जाता, आप लोग के लिए चलता, ब्लॉग बनाता, अपलोड करता। भाई टाटा की गाड़ी तो जबरदस्त होती है, मेरी फेवरेट टाटा की गाड़ी है। क्या वो जबरदस्त गाड़ी, टिकॉर जबरदस्त गाड़ी, अल्ट्रॉस जबरदस्त गाड़ी भाई, अगली गाड़ी होती। और है भाई कभी हल्की कभी तेज, भाई ऐसे लोग कंफ्यूज रहते हैं, मैं आगे बढ़ू मैं बढ़ू बढ़ू मैं बढ़ू, कंफ्यूज लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं लोगों को। आज सैटरडे है, बहुत खाली खाली सा लग रहा है, लेकिन या फिर मैं जल्दी निकाला, क्योंकि रोज लेट हो जाता है मुझे। हाँ थोड़ा जल्दी जल्दी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ रोज से मैं पहले निकला हूँ, ठीक है, तो इसलिए मुझे थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है भाई। मैं रोज लेट हो जाता हूँ, रोज सोचता हूँ मैं सुबह उठूंगा 5-4 बजे, आज अलार्म भी लगाता हूँ मैं, आज मैंने अलार्म भी लगाया था, मेरी आंख भी खुल गई थी, मैं सोच भी रहा था उठूँ नहीं उठूँ, उठूँ नहीं उठूँ, उठूँ नहीं उठूँ, पर अलार्म बंद करके मैं सो गया। इतना बड़ा आलसी हूँ मैं, बात तो सही है, इतना बड़ा आलसी हूँ क्या बताऊँ। सोलो ट्रिप मैंने इसलिए प्लान करी है क्योंकि मैं कभी किसी को बोलता हूँ जाने के लिए, कहीं भी दोस्त हैं मेरे, ऐसा नहीं है, ऑफिस के दोस्त नए बने हैं मेरे, बहुत अच्छे दोस्त बने हैं, ठीक है,
इसमें से एक दोस्त, दो तीन दोस्त ऐसे हैं बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा क्लोज हो गए, तो किसी को भी मैं बोलूंगा अगर आने के लिए तो हाँ तो पहले बोल देंगे आने के लिए, हाँ चलेंगे ठीक है, फिर बाद में मना कर देंगे। तो इसलिए मैंने ना उन लोगों से पूछा चलने के लिए, ना मैंने बोला कि चलो ठीक है। और उससे ये रहता है कि भाई कोई मना करता है ना जब एंड मोमेंट पे, तो फिर बुरा लगता है बहुत ज्यादा। अरे सिग्नल खुला हुआ है, हम पहुंच नहीं पाऊंगा बताऊंगे ठीक है, तो ये सीन रहता है। एंड मोमेंट पे मना कर दिया तो फिर लग गए। लेकिन दो लोगों में आता है मजा ज्यादा, सफर अच्छा कट जाता है। लेकिन अब सिंगल भाई, अकेले रहेंगे क्योंकि ये लगता है अकेले ही रहेगा। ये देखो वाह वाह वाह, रॉन्ग साइड लेके आ रहा है। ये देखो इन्हें कपड़ा के अलावा कुछ नहीं मिला, शर्ट लगा दिए। तो वो सोलो ट्रिप सबसे जबरदस्त है, वहां पे जहां मैं जा रहा हूँ वहां पे बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे ही वैसे भी ठीक है, तो अकेले जाओ वो ज्यादा बेटर है। 10 लोगों को ले आके 10 लोग जाओ, फालतू की बकचोदी होती है, पागल बनती होती है, मचोदी होती है, लड़ाई होती है, अकेले जाओ वो ज्यादा बेटर है। और मैं भाई लखनऊ में जब से आया हूँ ना, 1.5 साल 2 साल जहाँ तक मुझे हो गया लखनऊ में आए हुए, अकेला ही हो गया हूँ लखनऊ में ठीक है। जिंदगी अकेले, अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, अकेले रहेंगे। लोगों का क्या है, वो तो बस आते हैं चले जाते हैं अपना काम निकाल के। तो भाई लोग होते हैं टाइम पास करके चले जाते हैं, फिर वो टाइम पास करके चले जाते हैं भाई दूसरों के टाइम पास करने के लिए, फिर बोलते मेरे को मेरा कोई है ही नहीं, मैं किसी से बात ही नहीं करती हूँ, मेरे कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। पता चलता है 10 लोगों से बात हो रही है भाई। ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में है ना तो आप भी तुरंत निकाल दो, वरना आगे जाके बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है ठीक है, बहुत जबरदस्त वाला। क्योंकि जो लड़कियां होती है ना वो कहीं ना कहीं ढूंढ लेती है अपना बात टाइम पास निकालने के लिए। लड़के बेचारे सच्चे, जो लड़के, उन लड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ जो कहना वहाँ कमी नहीं होते, मैं उन लड़की की बात कर रहा हूँ जो सच्चे होते हैं। चूतिया यहाँ मिला, जो सच्चे होते हैं, प्यार कर लेते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं, कहना बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट लगाते हैं कि हाँ भाई यही एक ही है बस, एक के अलावा कोई नहीं। लेकिन लड़की नहीं सोचती है ये चीज, लड़की कहती है एक है ठीक है इससे ब्रेकअप हो गया, दूसरा है मेरे पास। और भाई लड़की ब्रेकअप तभी करती है जब उसे दूसरा मिल जाता है। ये चीज आजमाई हुई है। बड़ो भैया सो रहे हो क्या, सिग्नल खुला हुआ है। ये देखो नागिन मेरा डांस कर रहा है कार वाला। ए हाँ लड़कियां मतलब ओए होए चलवे हैं भाई, बड़ो भाई चलान काट देगा ये। भाई किसी ने सही कहा है, अगर लड़कियों का दिल टूटता है तो उन्हें 1 हफ्ता क्या ज्यादा, क्योंकि उन्हें 10 लोग पूछने वाले हैं भाई क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, और 10 लोग बोलने वाले हैं कि भाई अच्छा हुआ वो लड़का तो छोड़ो उसने, तुमने उसे छोड़ दिया, वो ऐसा था, वो वैसा था, वो वैसा था, वो वैसा था। भाई हम लड़कों में क्या होता है, अगर लड़कियों का लड़के का ब्रेकअप हो गया तो उसके दोस्त भाई मदद करते, बोले भाई क्या करो बता दे, हाँ हेल्प करता हूँ कुछ, या ये नहीं बोलते कि लड़की ऐसी थी लड़की वैसी थी। ये लड़कियां जो होती है ना बहुत ज्यादा भड़काने वाली होती है, और भड़काने भाई आ जाती है लड़कियां, बस उन्हीं की बात है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत ये हो, तुम बहुत वो हो, और वो तो तुम डिजर्व ही नहीं करता था तुम्हें, वो तुम हो की परी हो। भाई बिना बिना मेकअप के तुम क्या हो, कुछ नहीं हो। छोड़ो यार मैं भावनाओं में बह जाऊंगा, ऑफिस भी आ ही गया है। अरे बड़ा अंकल जी ये गाड़ी नहीं बड़ा मिल रही है, ये देखो देख रहे पता नहीं कहाँ बात अच्छो। चलो भाई ऑफिस आ गया है, कहीं भी खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं
और प्रदीप सर की गाड़ी आ गई है, प्रदीप सर भी आ गए हैं।